आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो बच्चों की तो फेवरेट है। आज हम तैयार करेंगे चॉकलेट बर्फी, जिसमें ना मावा यूज करने वाले हैं, ना चाशनी और ना ही घंटों पकाना। 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी सुपर सॉफ्ट चॉकलेट बर्फी तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और हम बना रहे हैं इसे मिल्क पाउडर से। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर लेने से ना मिठाई इंस्टेंट तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कप दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर है, फ्रिज का या गर्म दूध नहीं है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम पहले ही इसे मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम गैस पर रखकर मिक्स करते हैं तो इसमें लम्स यानी कि गांठे पड़ने का डर रहता है। इस तरह से हम पहले ही इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, तो कोई गांठ नहीं बनेगी, कोई लम्स नहीं बनेगा और बहुत स्मूथ हमारी मिठाई तैयार होगी। तो देखिए, इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। इससे ना हमारी मिठाई सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं होगी बिल्कुल भी। तो घी को भी हम अभी मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद अब हम इसको रखेंगे गैस पर, लो टू मीडियम हीट पर हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, अब हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अभी जब हम चला रहे हैं तो काफी हार्ड है और देखने में ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइट है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगा तो थोड़ा सा ये पतला हो जाता है, क्योंकि हमने दूध और मिल्क पाउडर डाला है और गर्म होने के बाद थोड़ा सा ये मेल्ट होने लगता है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर चीनी। तो मैंने 1/2 कप से भी कम चीनी ली। अगर हम चम्मच से नापते हैं तो 3 से 4 छोटे चम्मच चीनी मैंने यूज किया, क्योंकि हम ये मिठाई मिल्क पाउडर से बना रहे हैं। मिल्क पाउडर में पहले ही मीठा होता है, तो इसीलिए मीठे को हम कम ही रखेंगे। अब हम धीरे धीरे इसको जैसे जैसे मिक्स करेंगे, चीनी गर्म होने के बाद मेल्ट होगी और ये थोड़ा सा मिक्सचर हमारा पतला हो जाएगा। तो देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रही है, तो देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो गया है और ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तो बस अब हम इसे फिर से थोड़ा सा थिक करेंगे। इस तरह से ना ये मावे की तरह बन जाएगा, थोड़ा सा घुन भी जाएगा। तो अब भी देखिए कितना लिक्विड कंसिस्टेंसी पर हमारा मिक्सचर है ये। तो बस लो टू मीडियम हीट पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा यानी कि एक डो की तरह से नहीं हो जाता, या हम कहेंगे ये पैन को नहीं छोड़ देता। तो करीब 4 से 5 मिनट में ही ये बहुत परफेक्ट तैयार हो जाता है। इसे चलाना हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है और लगातार चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर अब धीरे धीरे ये इकट्ठा होने लगा है और बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर है। इसमें हमने कोई मावा यूज नहीं किया है और ना ही हमने डाला है इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क। मिल्क पाउडर से जब मिठाई बनाते हैं तो टेस्टी तो बनती ही है, साथ ही त्योहारों के इतने सारे कामों के बीच में बहुत झटपट से बन जाती है। देखिए अब ये इकट्ठा होने लगा है और देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, पैन भी छोड़ रहा है यहाँ पर और बिल्कुल ऐसे मावे जैसा हो गया है। तो हम इसका करीब 3/4 पोर्शन एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और 1/4 को हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। जो हमें चॉकलेट मिक्स करना है वो कम पोर्शन में ही करेंगे, इसे हम ठंडा होने देते हैं। और इसमें कढ़ाई में जो पोर्शन है इसमें हम मिक्स करने वाले हैं चॉकलेट पाउडर। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब हम इस चॉकलेट पाउडर को इस मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो हम इसमें 2 चम्मच मिल्क यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे बिल्कुल स्मूथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बहुत बिल्कुल लो रखा हुआ है जब हम चॉकलेट पाउडर इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। बस इसे बिल्कुल स्मूथ देखिए इस तरह से कर ले, कोई गांठ चॉकलेट की भी नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का हमारा ये मिक्सचर हो जाएगा। तो बस इसको भी देखिए हम बहुत अच्छे से पका लिया है, बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको भी हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अभी जो हमने तैयार किया था ये वाइट वाला मिक्सचर ये ठंडा हो चुका है, तो हमें इसकी
पहले इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है, पार्चमेंट पेपर, आप चाहें तो किसी थाली या प्लेट में भी इसको ग्रीस करके इस तरह से कर सकते हैं या बोर्ड पर भी कर सकते हैं। तो ये ठंडा हो गया तो बिल्कुल एक डो की तरह से, जैसे हम आटा तैयार करते हैं ना, उस तरीके का हो गया है। तो दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चौकोर ही रखेंगे, चौकोर करने से ना हमें इसमें कटिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पेपर को जब हम उतार रहे हैं तो हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है और इसको साइड कर देते हैं। चॉकलेट वाला पोर्शन भी हमारा ठंडा हो चुका है तो उसको भी इसी तरह से इकट्ठा करके इसी शेप में हम उसको बेल कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पोर्शन व्हाइट और चॉकलेट वाला दोनों ही तैयार हो गए हैं। तो हम चॉकलेट वाला पोर्शन व्हाइट वाले पोर्शन के ऊपर रखेंगे और देखिए इस तरह से हमारी चॉकलेट बर्फी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बेलेंगे इसको, बस हल्का सा एक बार इधर से और दोनों तरफ से पलट के। अब नाइफ से हम इसको एक बार इकसार कर लेते हैं। तो इस तरह से ना हमें इसकी कटिंग करते हुए ज्यादा कटिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एकसार हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं सिल्वर वर्क, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है ये, इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बर्फी को हम अब एक घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा इसे जल्दी में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर तुरंत ही इसके पीसेस काट लिए हैं। अगर आप एक घंटा छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसकी कटिंग कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चॉकलेट बर्फी है बनकर तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं या फिर इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको छोटे पीसेस में काट लिया है और एक घंटा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए आपको ये चॉकलेट बर्फी कैसी लगी। तो देखिए कितनी बढ़िया इसकी लेयर आई है और बिल्कुल सॉफ्ट, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो देखिए कितनी स्मूथ, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। एक घंटे के बाद जब अभी इसे तोड़ रहे हैं तो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।